बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा अगला लेक्चर है ओवरव्यू ऑफ एनर्जी फ्रॉम फॉलिंग वाटर। हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कोई फॉलिंग वाटर है तो उसकी जो वाटर एनर्जी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो कि रो क्यू जी एच के बराबर होती है। तो अब इसमें एच क्या हाइट है और क्यू क्या है फ्लो रेट है। तो फ्लो रेट कैलकुलेट करने के हमने पांच मेथड्स देखे थे। ये हेड का मैंने बता दिया था कि हम उसमें से फ्रिक्शनल हेड को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास अवेलेबल हेड आ जाएगा। तो इसके पांच तरीके थे, बेसिक मेथड, रिफाइंड मेथड वन, रिफाइंड मेथड टू, स्पेसिफिकेटेड मेथड और यूजिंग अ वियर। तो ये डायरेक्ट मेथड था जिसमें हम एक बाउल के अंदर लेते थे और टाइम नोट करते थे और उसको हम देखते थे कि भाई कितना फ्लो रेट है। और ये एक ट्राइंगल वाला था, ये मैंने बता दिया था, ये लीफ वाला मैथड था, ये वाला बॉल वाला मैथड था और ये वाला इंटीग्रेशन और डेरिवेशन वाला मेथड था। यहाँ से मैंने ये सेक्शन वालों को बड़ी लंबी डिस्कशन की थी कि अब जो डीए से हम ओवरऑल इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। यहाँ पे मैंने नोडल एनालिसिस बताया था कि जब हम पूरी की पूरी स्ट्रीम को नोड्स में क्यों डिवाइड करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कुछ उसमें बातें याद होंगी। ठीक है, तो ये नोचिस, ये यूजिंग ऑफ वियर या नोचिस से ये हमने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है फ्लूइड मैकेनिक्स वन की लैब के अंदर, नोचिस वाला। तो नोचिस अल्टीमेटली किस लिए यूज होती थी, फ्लोरेट मेयर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये हमने कर लिया था कि अगर फ्लोरेट किसी जगह पे 40 लीटर पर सेकंड आ रहा और हेड 20 मीटर है तो मैक्सिमम पावर अवेलेबल क्या होगी, 8 किलोवाट होगी। तो अगर एक अवेलेबल 8 किलोवाट है और अगर टर्बाइन मेरी 100% एफिशिएंट है तो कितने किलोवाट एनर्जी हम ले सकेंगे, लेट्स सपोज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 8 किलोवाट ही प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो अगर वो 95 है तो 95 को आप उसी लिहाज से इसको कम कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इम्पल्स टरबाइन है, पेल्टन व्हील टरबाइन है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक हार्ट से पानी आ रहा है, हम उसको नोजल लगा के सारी की सारी वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। नोजल इसके साथ टकराती है, टकराने के बाद इसको रोटेट करवाती है। तो ये हमने देखा हुआ है कि यहाँ से वेलोसिटी एक आई, यहाँ से ये देखें इधर, यहाँ से एक वाटर जेट ऑफ वाटर आया स्ट्रेट लाइन में आगे टकराने के बाद, कुछ नीचे चला गया कुछ ऊपर चला गया। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई, जेट वेलोसिटी माइनस कप वेलोसिटी। और ऊपर की तरफ क्या हुई, आउटलेट के ऊपर हमने टू लगा दिया तो कप वेलोसिटी माइनस सॉरी जेट वेलोसिटी, यू टू इज द जेट वेलोसिटी माइनस यू सी इज द कप वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखें जी, हमारे पास फोर्स ऑफ जेट ऑन कप क्या थी, ये रो क्यू यू माइनस यू जे, यानी कि जेट की वेलोसिटी माइनस कप की वेलोसिटी। अब ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये मैंने करके दिखाया था आप लोगों को क्लास के अंदर, ये हमारे पास एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम सॉरी एफ, और मेरे पास वो पेन नहीं है तो ये कुछ इस तरीके से आपको गुजारा करना पड़ेगा, एम ए होता है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। तो एम ओवर, तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी ये आ गई डिवाइडेड बाय टी, एम ओवर टी किसके बराबर आ गया, दैट इज मास फ्लो रेट एंड विच इज इक्वल टू रो क्यू। मास फ्लो रेट पता है ना, एम ओवर टी रो क्यू के बराबर होता है। क्यू क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं डेंसिटी के साथ तो मेरे पास किसके बराबर आ जाता है, मास फ्लो रेट के बराबर आ जाता है। ठीक है, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं एफ इज इक्वल टू एम ओवर टी इंटू एक्सेलेरेशन की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, तो ये फाइनल हमारे पास ये रिलेशन बन गया। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी, ये रिलेशन हमने बहुत मरतबा किया हुआ है। हाँ जी, इधर से क्या हुआ, इधर में हम करने क्या लगे हैं, इस फोर्स को हमने अब क्या करना है, जेट में पी इज इक्वल टू एफ वी के बराबर होता है। तो जो जेट की पावर है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वेलोसिटी ऑफ कप में। तो पी जे किसके बराबर आ गया, ये हमने एफ ऊपर से पुट कर दी यहाँ पे। अब इसका मैक्सिमा हमने लेना है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमा हमने मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कप वेलोसिटी ले लेंगे।
तो कब भी लास्ट, इसलिए कि वो आपको याद होगा कि हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा एफएससी में पढ़े होंगे। तो उसका तरीका ये होता है कि जहाँ पे हमने अगर मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम उसका विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेते थे किसी मेन पैरामीटर्स के और उसको फिर पुट कर देते थे जीरो के, तो जो वेलोसिटी वैल्यू आती थी वो हमारे मैक्सिमम होते थे। तो ये डेरिवेटिव सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, इनको करने के बाद हमारे पास जो फाइनल क्राइटेरिया आया वो क्या है कि कप की वेलोसिटी किसके हाफ होनी चाहिए, जेट की वेलोसिटी का हाफ होना चाहिए। तो ये थंब रूल हमारे पास आ गया कि अगर हमने पल्स टरबाइन की मैक्सिमम एफिशिएंसी लेनी है तो कप की वेलोसिटी जेट की वेलोसिटी के हाफ होना चाहिए। लेट्स सपोज अगर जेट की वेलोसिटी आ रही है ना 10, तो कप की वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि उस रिलेशन को जब इधर पुट किया तो रो क्यू यू जे यू सी माइनस यू सी स्क्वायर आ गया। पुट इक्वेशन नंबर 2 into 1, हमने इसको उठा के ना इसको उठा के हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो यू सी यू जे इधर इधर आ गया माइनस यू सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिएगा ये वो इक्वेशन नंबर 2 थी, इसमें हमने क्या किया यू सी की जगह ये रिलेशन पुट कर दिया। तो इसको जब पुट किया तो हमारे पास पी जे किस में आ गई, इन दी फॉर्म ऑफ जस्ट वेरिएबल क्यू जे एंड यू जे की फॉर्म में। अब इसको मजीद देख लेते हैं, इसमें जो वेलोसिटी ऑफ जेट है वो उसके लिए हमारे पास बर्नौली इक्वेशन होती है 2gh√, तो इसमें जो एच टी है दैट इज टोटल हेड, इसको हम अवेलेबल से रिप्लेस कर देंगे। और अगर हमारे पास एक नोजल है तो उससे फ्लो रेट क्यूज इक्वल टू ए वी आएगा, और अगर नंबर ऑफ नोजल है तो क्यूज इक्वल टू एन ए वी आ जाएगा, एन ए वी, तो ए वी की जगह पे क्यू जे आ गया। ठीक है, तो हमारे पास टर्बाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो किसके बराबर होती है, टर्बाइन शाफ्ट पावर डिवाइड बाय जेट पावर। तो इधर से मैकेनिकल एफिशिएंसी जेट पावर आ गया, तो टर्बाइन पावर पीएम, तो इसका मतलब ये क्या है, जेट पावर हमने निकाल ली थी। ठीक है, तो एफिशिएंसी हम मतलब एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय क्यू जे की जगह पे नंबर ऑफ नोजल का फार्मूला पुट कर दिया, दैट इज एन क्यू जे। ठीक है, एन क्यू जे की जगह पे मैंने इसको पुट कर दिया एन ए वी जे। ठीक है, इधर से यहां से फिर ये वाला फार्मूला आ गया, ये वाला यहां से ये पीएम से यहां पे आ गया, पीएम इज इक्वल टू हाफ बाहर आ गया एन पी रो यू जे क्यूब आ गया, इसको हमने यू जे क्यूब कर दिया। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 into above, तो इक्वेशन नंबर 4 क्या थी हमारे पास, ये वाली यू की वेलोसिटी हम जब इधर पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, पीएम। अब उसके बाद हमारे पास एरिया ऑफ नोजल किसके बराबर होता है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एरिया ऑफ नोजल। तो ये हमने एरिया ऑफ नोजल निकालना, तो इस सारी चीज को हम उधर जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया एरिया हमारे पास पाई आर स्केयर के बराबर होता है। तो आर आर हमारे पास इस चीज के बराबर आ गया, आर स्केयर जो हमने इसको एक्चुअली खोल दिया अंदर, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने बेसिक स्टेप्स किए हुए हैं, मैंने हर चीज को एलेबोरेट करके लिखा हुआ है। देखिए ये 2 ऊपर चला गया तो 2 ऊपर आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि 2 की 3 मरतबा अंडर रूट है, तो 3 मरतबा अंडर रूट ले लिया, 3/2 का मतलब ये होता है। तो अब इसको 2 को मैं 2 अंडर रूट लिख लूँ तो 2 अंडर रूट कट गए, तो 1 अंडर रूट नीचे आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। तो इधर से अगर हम कप वेलोसिटी लेंगे तो कप वेलोसिटी चूंकि रोटेशन में आ रही है, उसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए आर ओमेगा का फार्मूला लगा, तो उधर से जो कप वेलोसिटी थी वो हाफ थी किसका, जेट वेलोसिटी का। तो हमारे पास रेडियस ऑफ कप किसके बराबर आ गया, इस फार्मूले का। तो अगर हम इन दोनों की रेशियो लेंगे तो हमारे पास फाइनल फार्मूला इसके बराबर बनेगा, इक्वेशन नंबर 5 और 6। 5 क्या थी, 5 ये थी जो हमारे पास थी रेडियस ऑफ नोजल, और जो हमारे पास रेडियस ऑफ कप थी उसकी ये थी। दोनों के रेशियो लेंगे तो आपके सामने ये फार्मूला आएगा। तो इसमें व्हाट इज दिस, दिस इज शेप नंबर इस चीज के बराबर आ गया। अब इसमें देखें कि शेप नंबर की फॉर्म में हमें आर ओवर आर की एक रेशियो मिल गई, यानी कि हमने एक टर्बाइन डिजाइन करनी है तो उसमें हमने नंबर ऑफ नोजल्स, एन क्या है नंबर ऑफ नोजल्स, मैकेनिकल एफिशिएंसी, रेडियस ऑफ नोजल एंड रेडियस ऑफ कप, ये हमने कितना कितना रखना है। तो उसके बाद हम इधर से वो सारा करने के बाद एक शेप फंक्शन इधर से इस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, शेप फंक्शन हमारा इस इक्वेशन से जो आएगा उसकी एक वैल्यू होगी। हमारे पास एक चार्ट होता है जो कि ये बताता है कि शेप फंक्शन की रेंज अगर कहाँ से कहाँ तक आए तो हम फ्लॉ टर्बाइन
को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा अगर आपको दिखा पाऊँ टॉयडल की बुक के अंदर ये चार्ट दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 8 हाइड्रोपावर जनरेशन में ये चार्ट दिया हुआ है कि शेप फंक्शन 1, 2, 3, 4 ये नॉन डायमेंशनल नंबर है और इधर एफिशिएंसी है। तो अगर शेप फंक्शन रेंज मतलब इस 0 और 1 के दरमियान आता है ना, तो हम ये पैटर्न व्हील टर्बाइन जो है ना वो सिलेक्ट करेंगे। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है तो फिर हम उस लोकेशन पे पैटर्न व्हील टर्बाइन सिलेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो शेप नंबर इज अ नंबर विच इज़ यूज टू सिलेक्ट टर्बाइन एट पर्टिकुलर लोकेशन। तो डेफिनेटली अगर हम इस फार्मूले में शेप नंबर लिख रहे हैं तो वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर है, देखें आप डिवाइड करेंगे ना तो इस पूरे फैक्टर को ना इस जगह पे पुट करते हैं तो ये पूरी रिलेशन हमारे पास एक निकलेगा। तो उसमें से इस चीज को हमने शेप नंबर का नाम दे दिया जो कि पावर ऑफ टर्बाइन आरपीएम और अवेलेबल हेड पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा अब अगर देखें कि आप ये कहते हो कि यार मैंने किसी जगह पर टर्बाइन सेलेक्ट करनी है, तो वो कैसे सेलेक्ट करोगे? आप कहते हो कि यार मैं अगर अवेलेबल पावर इतनी है तो शॉर्ट पावर नॉर्मली 95% एफिशिएंसी के साथ इतनी देगी तो आपको पीएम मिल जाएगी। हाइपोथेटिकल कि आप कहते हो कि यार अगर अवेलेबल पावर फर्ज करें 8 किलोवाट थी ना, तो उधर से हमारे पास क्या चीज़ निकल आएगी? पीएम एफिशिएंसी के मुताबिक। तो अवेलेबल हेड आपके पास पता होता है कि कितना है, वो किसी भी लोकेशन पे अवेलेबल हेड हो तो आप उस लोकेशन पे ये शेप फंक्शन लगा के आपको शेप फंक्शन मिल गया। तो इंस्टेड आप इस शेप फंक्शन की मदद से आपको अगर शेप फंक्शन मिल गया ना तो उसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि आपने इसकी आर ओवर आर की रेशो कितनी रखनी है अगर आप उसको 95% एफिशिएंसी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोजल्स भी आप खुद डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आपको आर ओवर आर की रेशो मिल जाएगी इसकी डिजाइनिंग करने के लिए। तो इन शॉर्ट ये कि आप सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, वहां पे अवेलेबल एनर्जी निकालेंगे। अवेलेबल एनर्जी निकालने के लिए रो क्यू जी एच लग जाएगा। नंबर वन, जब आपको पता चल गया कि यार लेट्स सपोज इस लोकेशन पे 8 किलोवाट एनर्जी आ रही है, अब आपने वहां पे कोई टर्बाइन लगानी है तो आप सपोज कर लो कि यू वुड अप्लाई अ 95% एफिशिएंट टर्बाइन, ठीक है। उस 95% एफिशिएंसी के लिए आप ये कहते हो कि मैं शेप फंक्शन निकालता हूं, तो सबसे पहले ये देखूंगा कि यहाँ पे कौन सी टर्बाइन लगेगी। तो आपने पीएम मतलब निकाल लिया, आपके पास पीएम भी थी, अवेलेबल हेड भी था, ये सारी चीज थी, और ओमेगा आपने सपोज कर लिया कि इतने आरपीएम पे ये रोटेट करेगी फर्ज कर। तो आपने ये शेप फंक्शन निकाला, जब आपने शेप फंक्शन निकाला और उस ग्राफ से जाके देखा कि ये पैटर्न व्हील की रेंज आ रही है, तो अब इस शेप फंक्शन की मदद से आपने रेशियो ऑफ नोजल यानी कि नोजल का रेडियस निकालना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ कप, इनकी रेशियो क्या रखनी है। तो आप इसको इधर पुट करेंगे, नंबर ऑफ नोजल नॉर्मली 6 होती हैं, तो आप 4 से 6 के दरमियान वेरी कर सकते हो। इसको इधर इसके रेशियो लेंगे तो आपके पास ये आर ओवर आर की रेशियो आ जाएगी। तो इंस्टेड किसी भी जगह पे टर्बाइन सिलेक्शन के लिए हम शेप नंबर यूज करते हैं, इसकी बजाय एक वर्ड होता है स्पेसिफिक स्पीड का, जो कि यहाँ पे स्लाइड के अंदर नहीं दिया हुआ, ये बुक के अंदर दिया हुआ है। इसको आपने अपने एंड पे इसको कवर करना है इस चीज को। ये देखें शेप फंक्शन यहाँ पे 18.18 के बाद ना स्पेसिफिक स्पीड का एक दिया हुआ है, जो कि सिंपल पावर अवेलेबल, अवेलेबल हेड और आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, जो कि ओमेगा बाई 2π के बराबर है। तो इधर से स्पेसिफिक स्पीड आ जाएगा, और स्पेसिफिक स्पीड आपको पता है हाइड्रोलिक्स के अंदर भी हमने पढ़ी हुई है कि किसी भी लोकेशन पे स्पेसिफिक स्पीड फॉर पंप हम कैलकुलेट करें या स्पेसिफिक स्पीड फॉर टर्बाइन कैलकुलेट करें, वो यूज होती है बेसिकली उस लोकेशन पे विच टाइप ऑफ टर्बाइन शुड बी सिलेक्टेड, कि हम कौन सी जो टर्बाइन है वो सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये शेप फंक्शन शेप नंबर का आ गया, उसके बाद ये डेरिवेशन है हमारे पास अवेलेबल एनर्जी इस तरीके से निकलेगी। और अगर हमारे पास जो जेट की एनर्जी है उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर, इस पावर अवेलेबल पावर को हमने टोटल किसमें कन्वर्ट कर दिया, अवेलेबल वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। इस पावर ऑफ जेट ये होगी अवेलेबल पावर, इधर से हम आर ओवर आर की रेशियो निकालेंगे और उधर से शेप फंक्शन। अब इसको रिवर्स चलाएं, शेप फंक्शन से फर्ज करें आपने सेलेक्ट की कैप्लन टर्बाइन, ठीक है, सॉरी कैप्लन कह रहा हूं, पेल्टन व्हील टर्बाइन। पेल्टन व्हील टर्बाइन से इस फार्मूले से आपको आर ओवर आर की रेशियो मिल गई,
जब आर ओवर आर की रेशियो मिल गई तो आपको टर्बाइन कितने परसेंट वाली एफिशिएंसी वाली मिलेगी, 95%। तो रिएक्शन टर्बाइन ये आर्टिकल ये आपने अपने एंड पे इसको कवर कर लेना बुक पे। तो इसके साथ ही हमारा ये जो लेक्चर है ये भी खत्म हो गया। तो बेटा इन शॉर्ट ये कि आपने किसी जगह पे भी हाइड्रोलिक टर्बाइन लगानी है तो दीज आर द फॉर्मूलाज विच यू कैन यूज टू सेलेक्ट एनी टाइप ऑफ टर्बाइन which you can use to design for nozzle as well as radius of cup, in which you can design a cup and nozzle for particular Kaplan turbine. तो ये हमारी जो है ये हमारी complete जो है nozzle का design ready हो गया। तो इस तरीके से अब हमारा ए और बी सेक्शन जो है वो कम्प्लीटली एक पेज पे है। चार लेक्चर मैंने ERU के डिलीवर कर दिए हैं, तीन मैंने और देने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स मैंने आप लोगों को दी हुई हैं, ठीक है, वो असाइनमेंट्स आप लोगों ने करनी है। देन हमारा सिर्फ एक चीज रह जाएगी, वो रह जाएगी वन क्विज एंड वन कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। असाइनमेंट्स आई हैव गिवन यू ऑलरेडी, ठीक है, असाइनमेंट्स ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हुआ हूँ, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम और क्विजेज रह जाएंगे, वो इंशाल्लाह ताला किसी और, मैं पहले एक दो लेक्चर और कवर करने के बाद फिर हम इसमें कोई एक या दो क्विज करेंगे। तो किसी भी तरीके का बेटा कोई क्वेश्चन हो तो वंस अगेन आई वुड सजेस्ट कि बेटा रटा किसी चीज को नहीं लगाना आप लोगों ने, ठीक है। आप लोग फाइनल ईयर के अंदर हो तो समझाने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन है यू शुड गेट इन टच विद मी। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, वट एवर मीन यू वॉन्ट टू चूज, जो भी जरिया मोड जो है वो आप यूज़ करना चाहते हैं वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।